पागल हो गए बट कौन क्या पीता है वो दूध पी ले और दो तीन। तो चलिए दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव के बारे में पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों आज पवन सिंह का बहुत ही बड़ा इंटरव्यू आप सभी के बीच रिलीज हुआ है शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे। और पवन सिंह का ये इंटरव्यू रिलीज होते ही पूरी तरह से यानी 2 घंटे से चक्का जाम कर दिया था यूट्यूब का। यानी 2 घंटे यूट्यूब पे माहौल पूरी तरह से शांत था और सब लोग पवन सिंह के इंटरव्यू को वॉच कर रहे थे और 60,000 प्लस इस इंटरव्यू पे वॉचिंग चल रहा था। तो चलिए दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ खेसारी लाल यादव के बारे में पवन सिंह ने क्या कुछ बोले हैं। तो दोस्तों खेसारी लाल यादव के बारे में पवन सिंह ज्यादा कुछ ऐसा बयान नहीं दिए हैं जिससे विवाद हो सके। खेसारी लाल यादव मेरा मित्र नहीं मेरा छोटा भाई है। और खेसारी लाल यादव एक बात बोले थे कि मैं उनसे ज्यादा बेहतर डांस करता हूँ बॉडी बनाया दिस डेट बोले थे आप सभी को पता ही होगा। तो इस पे पवन सिंह बोले हैं चलिए कोई बात नहीं मेरा भाई मेरे से ही सीखा है और भगवान करे मेरे से भी बड़ा सुपरस्टार बने मेरा भाई। और खेसारी लाल यादव जी ये भी शायद बोले थे कि मैं किंग था हूँ रहूंगा। तो पवन सिंह ने ये भी जवाब दिया है कि अमिताभ बच्चन जी अपने आप को कभी भी महानायक नहीं कहते हैं यानी अपना बड़ाई अमिताभ बच्चन जी खुद से नहीं करते हैं। एक और खेसारी लाल यादव को लेकर पवन सिंह से सवाल किया गया है कि एक साथ फिल्म कब बनाएंगे। तो पवन सिंह बोले हैं कि आने वाला फ्यूचर में हम लोग जरूर एक साथ फिल्म बनाएंगे। और खेसारी लाल यादव जी दारू को लेकर भी बोले थे तो पवन सिंह इसका भी जवाब दिए हैं कि कोई से छिपल बा के का पियेला। और इसको लेकर खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने व्हाट्सअप भी किया था कि तू फिर से शुरू हो गई ले। फिर खेसारी लाल यादव जी उधर से रिप्लाई देते हैं तो पवन सिंह बोलते हैं जाने दो छोड़ो भाई। और पवन सिंह लोगों को पब्लिकली नहीं बताना चाह रहे थे कि खेसारी लाल यादव जी ने उधर से क्या रिप्लाई दिया था। हाँ पवन सिंह से एक और सवाल किया गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह किसके फैन है। तो दोस्तों दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के फैन है और खेसारी लाल यादव जी भी निरहुआ के ही फैन है 1-2 साल पहले इंटरव्यू में बोले थे। हाँ तो दोस्तों ये दोनों सुपरस्टार लोग निरहुआ को ज्यादातर पसंद करते हैं और निरहुआ से इन लोगों ने सीखा है। और ये दोनों लोग जिसका फैन है उसी का मैं भी फैन हूँ खुलासा तो नहीं करना चाहिए था बट मैं भी बता दिया। और पवन सिंह एक और बात बोलते हैं खेसारी लाल यादव से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन फिर उसके 5-6 मिनट के बाद पवन सिंह बता देते हैं कि हम लोगों में कंपटीशन है लेकिन दिल में रखता हूँ। और पवन सिंह कह रहे थे कि हम भी सोचते हैं कि हम आगे रहें खेसारी लाल यादव भी सोचता है कि हम आगे रहें लेकिन खेसारी लाल यादव से पछता नहीं है वो बोल देता है। हाँ तो दोस्तों ये रहा खेसारी लाल यादव को लेकर सवाल और भी बहुत सारा सवाल किया गया है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी और जो छूटा होगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। और आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई बात नहीं चलिए बस आप सभी का आशीर्वाद है। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो ज़्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद।